पैंसठ के बाद सेक्स कैसे किया जा सकता है, 11 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबोधन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग ऐसा सोचते हैं कि 65 की उम्र हो गई, रिटायरमेंट आ गया, अब क्या सेक्स, अब ये क्या उम्र है क्या सेक्स करने की, ऐसा लोगों का सोचना है, ऐसी सोच है। अमेरिका में नेशनल काउंसिल ने एक सर्वे किया और सेक्स के बारे में ये सर्वे था, और वो सर्वे में ऐसा पाया गया कि 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उसमें से करीब करीब 50% लोग महीने में कम से कम एक बार सेक्स करना पसंद करते हैं, और नियरली 37% जो लोग थे वो ज़्यादा, मतलब एक हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार सेक्स करना पसंद करते हैं, और 16% लोग ऐसे थे कि जो काफ़ी बार एक महीने में सेक्स करना पसंद करते थे और कर सकते थे। और काफ़ी लोगों ने, मतलब उम्र के 80 साल तक और उसके ऊपर भी सेक्स एंजॉय किया है और किया था, ऐसा उस सर्वे मालूम पड़ा। इसका मतलब यह है कि कोई उम्र नहीं होती सेक्स को, सेक्स कभी भी किया जा सकता है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि 60 साल 65 साल की उम्र में यदि बीवी मर गई, पत्नी मर गई है, तो शादी कर लेते हैं क्योंकि उनको सेक्स रहता है और सेक्स की भूख मिटाने के लिए और एक पार्टनर चाहिए करके वो शादी करते रहते हैं। उम्र जैसी बढ़ती है वैसे होता क्या है, एक तो क्या होता है कि एक तो डिप्रेशन है, काफ़ी सारे टेंशन्स, वरीज, चिंता, उसकी वजह से निराशा आती है, अकेलापन है, कोई शारीरिक बीमारी हो सकती है, जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पत्नी गुजर गई है, बच्चे बड़े हो के अपने अपने काम में लग गए, तो फिर मिलने जुलने वाला कोई नहीं है, साथी मिलते नहीं है, ऐसी जगह रह रहे कि जहाँ लोगों से मुलाकात नहीं होती है, फिर उम्र के हिसाब से इच्छा भी कम हो जाती है, औरतों में महामारी बंद हो जाती है, तो एक सदमा हो जाता है कि महामारी बंद हो गई मतलब सेक्स खत्म हो गया, या गर्भाशय निकाल लिया मतलब सेक्स खत्म हो गया, ऐसा उनके इसमें एक विश्वास है गलत। फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल पुरुषों में कम हो जाती है और उसके वजह से भी सेक्स कम हो जाता है। फिर ये उम्र में होता क्या है कि ज़्यादा उत्तेजना की ज़रूरत होती है, मतलब ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि विचार आया और इरेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा समय फोर प्ले करना पड़ता है, मसाज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रोमांस करना पड़ता है, तभी कड़कपना आता है, और आया तो फिर टिकता नहीं है ज़्यादा समय तक। फिर उसलिए क्या होता है कि टिकता नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी करो, और उसमें यदि जल्दी हो गया, क्योंकि टिकेगा नहीं कड़कपना, जल्दी करने की कोशिश किया तो फिर स्त्री जो है वो संतुष्ट होती नहीं और फिर उसका अलग प्रॉब्लम चल हो जाता है। वैसे उम्र के हिसाब से वीर्य जो है वो कम मात्रा में आता है, कम फोर्स से आता है, और उसमें फिर मज़ा कम आता है, और सेकंड टाइम जब करने की इच्छा है, ऐसा लगता है कि सेकंड टाइम करना चाहिए मगर सेकंड टाइम कर नहीं सकते, सेकंड टाइम करने का समय जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम 65 के ऊपर के है। ये उनमें हो सकता है कि प्राइवेट जॉब था तो कोई ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड थोड़ा बहुत मिला होगा, पेंशन नहीं है, आमदनी का कोई साधन नहीं है, और हो सकता है कि अभी भी काम करना पड़ रहा है, पैसिव इनकम नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कमा नहीं सकते और बच्चे पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है बड़े लड़के, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लड़के के ऊपर वो पैसा खर्चा करे, तो फिर वो होता है कि इनके ऊपर, बूढ़ों के ऊपर कोई खर्चा करने को तैयार नहीं है। ऐसे इसमें फिर और परेशानी बढ़ती जाती है कि मेडिकल इलनेस है, डॉक्टर की तरफ जा नहीं सकते, दवाई का खर्चा नहीं कर सकते, खुद के ऊपर खर्चा करने के लिए मनाही है क्योंकि पैसा मिलता नहीं है घर में से, तो ऐसे इसमें आइसोलेशन में और ज़्यादा गिर जाते हैं और सेक्स की इच्छा और कम हो जाती है। तो फिर ऐसे इसमें करना क्या है, ये सवाल आता है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा 11 टिप्स ऐसी कि जो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। नंबर एक, आपके पार्टनर के साथ बात करो, जिसके भी साथ आप सेक्स करते हैं, पत्नी जीवित है नहीं है, या आपकी कोई फ्रेंड है, या आपने शादी कर चुके हैं डबल से, या जो भी है, आपके पार्टनर के साथ में सीधी बात करनी है, और जो भी अभी मैंने प्रॉब्लम बताया वो शेयर करना है। नंबर दो, आपके डॉक्टर को आप विजिट करो, डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है, फैमिली डॉक्टर को विजिट करो, जो भी आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसका इलाज करो, सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, उसका इलाज करो। आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके ऊपर आप क्लिक करके, नाममात्र शुल्क आप 150 रुपये भरते हैं तो हमारे डॉक्टर से बात करके वो मेरे से बात करेंगे और आपको अच्छी सलाह दी जाएगी। तीसरा जो है वो है कि सेक्स थेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं स्पेशली, और सेक्स थेरेपिस्ट से आप बात करके यदि आपके प्रॉब्लम सब बताते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है।
नंबर चार है, आपकी जो डेफिनेशन है सेक्स की वो बड़ी करो। इसका मतलब यह है कि इंसर्शन करना, योनि में लिंग का प्रवेश करना, वही सेक्स नहीं है। सेक्स मतलब फोरप्ले भी है, रोमांस है, बातचीत है, फोरप्ले करना है, आफ्टर प्ले करना है, वो भी सेक्स है। तो वो डेफिनेशन आपकी बड़ी कर डालो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसर्शन करना ही जरूरी है। नंबर पाँच जो है वो है कि नए नए रूटीन्स जो है वो अडॉप्ट करो। हो सकता है कि रात को आपको थकान नहीं है, रात को बहुत परेशानी है, विचार बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपना टाइम यदि बदल देते हैं और सुबह का सेक्स करते हैं तो सेक्स अच्छा हो सकता है। नंबर छः है कि आप नई नई पोजीशंस आप ट्राई कर सकते हैं, नई जगह, नई पोजीशन, नया वातावरण, ऐसे इसमें ट्राई करते हैं तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। यदि आपको पार्टनर नहीं है, मतलब घर में बीवी नहीं है या आपके कोई परमानेंट पार्टनर नहीं है, तो आप नई नया पार्टनर ट्राई कर सकते हैं। मेरे काफ़ी ऐसे लोग हैं पहचान के कि जिन्होंने 60 साल 65 साल की उम्र में शादी कर लिया और नया पार्टनर लिया और नए पार्टनर के साथ में वो सेक्स कर रहे हैं, या फिर शादी नहीं कर सकते हैं तभी भी आपके साथ में आप कोई रिलेशनशिप में आ सकते हैं और डेफिनेटली कंडोम के साथ या जो भी प्रिकॉशंस है वो लेके आप सेक्स कर सकते हैं। नंबर आठ, आपने खान पान जो है उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। नंबर नौ, आपने एक्सरसाइज करना जरूरी है जिससे आप तंदुरुस्त रहेंगे। सेक्स में जो एक्सरसाइज होती है वो करने के लिए भी आपको फिट रहना जरूरी है। नंबर दस जो है कि शराब यदि आप पीते हैं तो शराब बंद करना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अल्कोहल से और सेक्स कम हो जाता है। अल्कोहल से होता क्या है कि इच्छा बढ़ जाती है मगर सेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो कम होता है। और नंबर 11, स्मोकिंग आपको बंद करना होगा, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट जो है वो सब बंद करना पड़ेगा ताकि आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज़्यादा आ सकता है। तो ये सब आप बातें ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको 65 के बाद में, 65 साल की उम्र के बाद में सेक्स करने में मज़ा आएगा और आप सक्सेसफुल होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। आपको हमारे डॉक्टर से बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, उसके ऊपर आप क्लिक करके नाममात्र शुल्क है 150 रुपये भर के आप बात कर सकते हैं। वो मेरे से बात करके आपको काउंसलिंग करेंगे और आपको चाहिए तो दवाई भी मेडिकल से भेजने की व्यवस्था हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।